अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं कुछ यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है शेज़वान बिरयानी। ये नॉर्मल बिरयानी जैसी नहीं होती है, अलग होती है, काफ़ी अलग होती है, और मतलब बहुत ही टेस्टी होती है। आप लोग ने कभी अगर नहीं ट्राई किए तो ये बार ज़रूर करना। ये रेसिपी पूरी देखो ना, ये वीडियो लास्ट तक देखो ना, आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताई हूँ और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है। ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर की कोई बिरयानी है ना। तो चलिए इंशाल्लाह बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 4 प्याज और 4 टमाटर ले ली थी। एक्चुअली यहाँ पर आपको 5 दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 ही यूज़ की थी। मुझे लगा कि 4 इनफ हो गए, क्योंकि हम लोग ने बाद में ना उसमें फ्राइड अनियन भी ऐड करना है, इसलिए 4 काफ़ी थे। तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले, और इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको वॉश कर ली हूँ। और अब क्या करूँगी, ये जो अनियन है ना, इसको अच्छे से पीस लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए मैंने पीस ली हूँ, वो एक पीस था रह गया, वो मैंने ऐड कर दी। और इसके साथ मैं गार्लिक ऐड कर लूँगी। देखिए गार्लिक और ये अनियन दोनों पीस के हो गए। अभी मैंने वो साइड में रख दिया, और इसी जार में मैं टमाटर भी ऐड कर लूँगी। वो जो 4 टमाटर मैंने ली थी ना, वो भी मैं ऐड कर लूँगी। और अगर आप तीखा खाते हो ना, तो ये टाइम पे आप ग्रीन वाली, वो डार्क कलर की जो मिर्ची आती है ना, ग्रीन कलर की, वो ऐड कर सकते हो अगर आपको तीखा चाहिए तो। ठीक है, मैंने वो लाइट ग्रीन कलर की ली थी बस, क्योंकि वो तेज़ नहीं रहती। ये मैंने रेडीमेड मसाला ली हूँ लॉलीपॉप का। ये 1 किलो चिकन है बोनलेस और 2 अंडे। ये मैं मसाला लगाऊंगी चिकन में। ये मैंने रेडीमेड इसलिए ली हूँ ना, क्योंकि ये अवेलेबल था। और अगर आपको देखना है कि घर के मसालों से कैसे बनाते हैं ना, तो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, मैं लिंक डाल दूँगी इंशाल्लाह, आप देख लेना। ये मैंने 1 किलो चिकन ले ली हूँ और इसके मीडियम साइज़ के पीस कर ली हूँ। अगर आप मीट में भी बनाएंगे ना, मटन में या बीफ में, जिसमें भी, तो आप ये सब कुछ मतलब ऐसा ही रखना। और बस इसमें मीट टेंडराइज़र डाल देना, मसाला यही रहेगा उसमें, सिर्फ आप पपैये का पेस्ट या तो फिर मीट टेंडराइज़र। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाली हूँ, और ये मैं पैकेट पूरा डाल दूँगी। ये 1 kg का ही होता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसी ही कुछ सिमिलर टेस्ट वाला चाहिए ना, तो आप चिकन 65 ले सकते हो, चिंग्स का आता है, वो भी आप डाल के बना सकते हो। उसका भी टेस्ट अच्छा ही रहता है, मीन्स आप ऐसे लॉलीपॉप जैसा फ्राई कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने 2 अंडे ले ली हूँ और मसाले डाल दी हूँ पाउडर। और इसमें नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये दावत का चिकन तंदूरी मसाला था। एक्चुअली बहुत ही टेस्टी रहता है ये भी, और इजी भी रहता है, जल्दी बनता है, ऐसा है। ये मैंने मसाला लगाकर हो गया है उसमें। मैंने ना थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर शेज़वान का रेड कलर चाहिए था। अगर आप लोग नहीं खाते हो, नहीं पसंद है फूड कलर, बहुत लोग नहीं डालते अपने खाने में, मैं भी कुछ कुछ खाने में ही डालती हूँ वैसे, सब खाने में नहीं, तो आप नहीं डालना, ये ऑप्शनल है, फिर स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने चिकन में मसाला लगा कर रख दिया, और मैं इसको फ़ौरन ही तल लूँगी। अगर आप मीट बना रहे हो ना, तो उसको ओवन ट्राई करना, ओवरनाइट रखने, या तो फिर 3 से 4 घंटे भी रखोगे ना तो भी ठीक है, बट उसमें मीट टेंडराइज़र होना चाहिए या तो पपीते का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने फ्राई करने ले ली हूँ इसको, है ना, हम लोग को पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि ये मसाले में भी भूनेंगे तभी पकेगा, और जब हम लोग दम पे देंगे तो ये और पकेगा, इसलिए इसको बस इतना ही बनाना है कि उसका ऊपर का कवर, मतलब वो जो कलर है ना, वो अच्छे से आ जाए। और ये बोनलेस चिकन है, आप लोगों को तो पता ही होगा चिकन कितना जल्दी पकता है, और ये बिना बोन वाला है तो ये और जल्दी हो जाएगा, ऐसा है। तो बस ये सब कुछ मैं पूरा चिकन जो है वो तल के अच्छे से निकाल लूँगी। और अगर आप मीट में बना रहे हो, मटन में, तो है ना, चेक करना ज़रूर निकालने से पहले
कि वो गल गया है या नहीं, मतलब थोड़ा सी बाकी रहेगा तो चलेगा, बट वो एकदम भी आप कच्चा रखोगे ना, जैसे चिकन को फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग, वैसा निकाल लोगे तो वो कच्चा ही रह जाएगा, मतलब वो गलेगा नहीं, कच्चा नहीं रहेगा, मीन्स गलेगा नहीं गोश्त, ठीक है? तो आप चेक कर लेना वो अपने हिसाब से। ये मैंने सब चिकन हो गए मेरे दाल के, माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आया था, ये देखो कितना अच्छा लग रहा था। ये मैंने सब फ्राई कर दिया और ये मैं अलग से साइड में रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने ले ली हूँ बेल पेपर, येलो और रेड कलर की। आप चाहे तो ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी ले सकते, ये मेरे पास घर में अवेलेबल थी इसलिए मैंने ली, यही मैंने डाल दी थी। आपके पास अगर ये नहीं है और सिर्फ ग्रीन वाली है ना शिमला मिर्ची तो भी चलेगा, ठीक है? और अगर आपको ये भी डालना है वो भी डालना है तो आपकी मर्ज़ी, डालो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन डालना ज़रूर क्योंकि इसी से कुछ एक टेस्ट अच्छा और चेंज होता है बिरयानी में, शेज़वान बिरयानी में। ये मैंने कट करके साइड में रख दी हूँ ये सब कुछ। अभी हम लोग चलेंगे चावल की तरफ। यहाँ पर मैंने पानी ऑलरेडी रख चुकी थी गरम करने, फिर मैं वो मसाले वो सब बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी 2 बे लीव, थोड़ा सा ज़ीरा और बादियान का फूल, इलायची, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑयल, क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म हो गया था इसलिए मैंने सब कुछ डाल दिया, वरना पानी गर्म होने के बाद ही मैं तेल और नमक ये सब डालती थी, पहले मसाले वो खड़े मसाले पहले ही डाल देती थी। तो खैर चलिए, यहाँ पर मैंने 1/4 किलो चावल ली हूँ, यहाँ पर मैं 1/4 किलो चावल लियो। अगर आपका इससे आधा है, यानी समझो 1/2 किलो चावल है या 2 किलो है, 1.5 किलो है, तो आप है ना ये चीज़ों को, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसको आप आधा कर ले। अगर 1/2 किलो है तो आप ये सब चीज़ों को आधा कर ले, अगर इससे ज़्यादा है, डबल है, तो आप डबल कर ले, ठीक है? तो ये देखिए मैंने 80% ही चावल कुक की थी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिरयानी में अगर चावल पूरी पूरे कुक करके आप निकालोगे ना और दम पे रखोगे तो वो और नरम हो जाएंगे और एकदम गल जाएंगे, और तो फिर बिरयानी एकदम अच्छी नहीं बनती। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी बिरयानी बना ले बट अगर उसका चावल नरम है ना तो वो टेस्ट वैसा आता ही नहीं है, वो खाया ही नहीं जाएगा आपको। इसलिए तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ एक बर्तन, इसमें मैंने तेल ऐड कर दी हूँ, वो जो चिकन फ्राई किए थे ना वही वाला तेल है। और इसमें मैंने डाल दी इलायची, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, बादियान के फूल, बे लीव वगैरह, ये सब कुछ मैंने डाल दिया। अगर इसके अलावा आप लोग और भी कुछ गरम मसाला पसंद करते तो वो भी डाल देना, हम लोग इतना गरम मसाला नहीं खाते इसलिए मैंने थोड़े से ही डाली हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दी हूँ, गार्लिक और प्याज जो मैंने पीस के रखी थी, बस इसको मैं इतना सी भूनूंगी इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए अच्छे से। हार्डली 5 मिनट लगता है इसको ढक के पकने के लिए, मैं रख दूंगी। और ये देखिए इसका रॉ स्मेल चला गया था, अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दी हूँ, इसको भी मैं ढक के 5 मिनट के लिए पकने दूंगी, बस हम लोगों को सिर्फ रॉ स्मेल ख़त्म करने की और कुछ नहीं। तो बस ऐसे ही ढक के ये इंशाल्लाह 5 मिनट में ये भी हो गया था, और ये मैं चेक कर लूँगी एक बार, देखिए हो गया था। वो खोलने के बाद ही आपको एक खुशबू आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पक गया है। और इसमें मैंने ना थोड़ा सा जो तेल बचा हुआ था ना वो भी मैंने डाल दी, क्योंकि अगर पहले ही डाल देंगे ना तो ये पिसी हुई प्याज ना बहुत ज़्यादा तेल ले लेती है, इसलिए मैंने बाद में ऐड की। और फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, ठीक है? टमाटर भी मैं इसमें डाल के साथ में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं और ऐसा टमाटर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाली हूँ, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, बस सब मैंने एक एक चम्मच डाली। और आप ना ट्राई करना नमक कम डालना ये टाइम पे, क्योंकि ना हम लोग ने शेज़वान चटनी भी ऐड करना है। देखिए मैंने अभी शेज़वान चटनी डाली हूँ, एक छोटा चाय का कप आता है ना वो भर के लेना शेज़वान चटनी,
और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाली हूँ, और इसमें मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता और ये बेल पेपर। इसमें मैंने चिली फ्लिक्स भी डाली थी हाँ, और बस इसको मिक्स करना है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस मिक्स करना है। और ये मैंने थोड़े से निकाल ली थी, और यहाँ पर मैंने फ्राइड अनियन डाल दी हूँ। ये टाइम पे ना आप चेक कर लेना नमक, और आपको कम ज़्यादा कुछ भी लग रहा है ना तो फिर आप ये टाइम पे ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और सच में जितना अच्छा दिख रहा है ना ये उतना अच्छा टेस्ट में भी था, सीरियसली उतना ही अच्छा था ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, एकदम बाहर जैसा फ्लेवर आ रहा था। टेस्ट और एकदम ऐसे, आपके घर में कहीं मेहमान वगैरह कोई भी ऐसे आएंगे ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, देखना ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आपकी बहुत तारीफ होगी। ये मैंने ना इसके ऊपर फ्राइड अनियन डाली हूँ, आप चाहे ना तो आलू भी डाल सकते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने आलू नहीं डाली हूँ, सिर्फ अंडे बॉईल करके मैंने डाल दी थी। और यहाँ पर मैं थोड़े से ये डाल दूंगी कोरिएंडर, और कलर फूड कलर रेड कलर मैंने डाली, आप चाहे तो कोई भी डाल सकते हो, सिंस ये शेजवान बिरयानी है इसलिए मैंने रेड कलर ऐड करी हूँ। और यहाँ पर मैंने घी डाल दी हूँ ऊपर से, बस इसको ढक के मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से पका हुआ ही है। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद, वाह माशाल्लाह, सच में ये जितना दिखने में अच्छा है ये उतना ही खाने में। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, आप लोग ऐसे नहीं घर पे भी बना सकते हो वीकेंड्स पे, या कुछ भी ऐसा कुछ नया खाने का दिल होता है हम लोग सभी का, कुछ नया ट्राई करें, अभी घर रोज के खाने से पक गए हैं, चलो कुछ और। तो ये बिरयानी तो मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कलर भी बहुत अच्छा आया है, और ये बहुत बहुत अच्छी टेस्टी बिरयानी थी। ये बस मैं डिश आउट कर लूँगी, ये देखिए। एक्चुअली ना थोड़ा सा है ना मेरी बिरयानी है ना लग गई थी नीचे, मतलब वो चिकन जो था ना टेस्ट वैसे ही था, अच्छा ही था, लगा इसलिए था, मैंने ना दम का तवा नहीं रखी थी नीचे इसलिए, अदरवाइज टेस्ट और ये सब कुछ अच्छा था, बस थोड़ा सा लग गया था नीचे से, तो दैट्स फाइन, टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आया उससे। और मुझे तो वो नीचे लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, मैं वो भी खा लेती हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये बिरयानी, और मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरी पूरी वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, ट्राई करो रेसिपी बनाने की कोशिश करो। इंशाल्लाह मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी आगे। अल्लाह हाफिज़।